प्रतिदिन की तरह ही सियाराम जी ने आज अपने प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है और अब हम प्रयास करते हैं, उनसे जानते हैं कि कब और कैसे उनके मन में ये विचार आया कि श्री सीताराम धाम की स्थापना की जाए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के निर्माण की कल्पना आपके मन में कैसे आई? ये सही पूछो तो मैं तीर्थयात्रियों को देख करके, ये जो तीर्थयात्री आते हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से, और अयोध्या जी को जाते हैं, मगर उनको रास्ते में कहीं ऐसा जगह नहीं मिलती जहाँ के वो बना लें, खा लें भोजन और रात रुक जाएँ, विश्राम कर लें, ऐसी कोई जगह हमें देखने को नहीं मिली। सन 2000 से मैं परेशान था, मगर देखते 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 भगवान की कृपा हुई, मुझे यहाँ हाईवे पर ज़मीन मिल गई और 2004 में मैंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। अब जब श्री रामचंद्र जी बना तो उनके साथ साथ जितने भी दुर्गा माता भी हनुमान जी का भी मंदिर बन गया, माता लक्ष्मी की बन गया, विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान के, राधा रानी के, गंगा मैया, सरस्वती मैया, जमुना मैया, दुर्गा माता और क्या कहते हैं इनका, गौ माता, शीतला माता, काली माता, शंकर भगवान और माता पार्वती और गणेश भगवान की सबकी उपस्थिति यहाँ धीरे धीरे हो गई। अब यहाँ ये है कि कभी कभी तो 5-5, 6-6 बसें आ जाती हैं, बसों की एक भगवान ने जगह दे दी, पेट्रोल टंकी खड़ी करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं भोजन और खाते हैं और सवेरे अयोध्या जी को जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इतने बड़ा हमें आनंद आता है। वो यहाँ पर मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, भजन कीर्तन अपने 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 जहाँ से आते हैं, आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, वो अपना अपने ढंग में भजन कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करके भोजन बना के खा करके फिर अयोध्या जी को चले जाते हैं। सबसे बड़ी हमारे जीवन की अपनी उपलब्धि यही है कि राम का मंदिर जो है हाईवे पर बन गया और जो सबके काम आ रहा है, वैसे भी तीर्थयात्री आते हैं, वैसे भी दर्शनार्थी आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं जो चढ़ लेता मंदिर पे फिर हमारा पूजनी हो जाता है, कहते हैं यही सारे आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आई न जाई, बिना उनकी कृपा से कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता है और जो सीढ़ी चढ़ता है हमारा पूजनी हो जाता है। मैं हर तरह से उसकी सेवा करने को यहाँ पर तैयार रहता हूँ। हमको पुजारी ऐसे भगवान की दया से मिल गए कि 4-5 जो मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, इतना सफाई व्यवस्था मंदिर के रखते हैं, इतना प्रेम से सबसे बोलते हैं कि हम तो गदगद हो जाते हैं कि क्या कहें, ये सौभाग्य की बात है। अब तो यहाँ मंदिर मंदिर रहेगा, हम भले चले जाएंगे। जीवन का कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग जो तमाम दर्शकों को प्रेरणा दे सके? मेरे जीवन को बदलने वाले माननीय हमारे जिला प्रचारक शारदा प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, मुझे जा करके शाखा पे ले गए और मैं मुख्य शिक्षक अपनी शाखा का था। उन्होंने मुझे अलग ले जा करके 3 बातें बताई कि सियाराम 3 बातों पर ध्यान रखोगे तो एक जो तुम्हारी 100 रुपये की दुकान है ये कभी 1 करोड़ की दुकान तुम्हारी हो जाएगी। क्या थी वो बात? हाँ, तो वो बात ये थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि पहली बात तो ग्राहक अपना भगवान है, उसको ठगना नहीं है, मिलावटी सामान नहीं बेचना है और सबसे प्रेम से बोलना, और दूसरी बात यह है कि ये जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और ये जो पानी के लिए टहल घूमते रहते हैं, इनके पानी की व्यवस्था करो, ये हिंदू समाज ही अपना परिवार है, तो हमें दूसरे दिन ही हम छोड़ लाए, देसी में कहते हैं सब छोड़, बड़े बड़े घड़े मिट्टी के और उसको ज़मीन में गाड़ दिए और पानी सुबह जाता शाखा वहाँ से भर के लाता और पानी भर करके उनको दिन भर में पिलाता। लोग कहते सियाराम तो पागल हो गया है, देखो सब सोते हैं, पानी बैठ के पिलाता है। जो जो बच्चे बड़े होते गए उतने मेरी दुकान बढ़ती गई। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये 4 दीवारी तुम्हारे घर की 4 दीवारी तुम्हारी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जो 4 दीवारी है, संकट आए देश पर तो उसके लिए लड़ मरना तन मन धन से। मैं ये 3 बातें बता गए, 3 बातों पे मैं चला, मेरी 100 रुपये की जो दुकान थी वो सचमुच में 1 करोड़ की हो गई और 1 करोड़ की दुकान ही नहीं हो गई, 1 करोड़ दान देने की स्थिति भगवान ने बना दिया। अब वो 1 करोड़ राम
जन्मभूमि में बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए आज 4 साल पहले ही फैसला नहीं आया था, तब भी हमने वहाँ पर दे दिया कि भगवान पर हमें पूरा विश्वास है, वो कभी ना कभी हमारा मंदिर बनेगा। कहने का मतलब आपको पूरा विश्वास था कि फैसला आने के पहले ही राम जी का मंदिर बनेगा ही, और आपने इतनी बड़ी राशि का दान किया, दान दे दिया इसी विश्वास पर कि नहीं राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। दूसरी बात ये थी, मैंने मेरे एक मित्र थे राय साहब मास्टर, तो उससे कहा करता था कि मैं जीवन में करोड़पति हो सकता हूँ मगर मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकता हूँ जी। तो वो कहे कि भाई जाली सर्टिफिकेट कहो तो लगा के करवा दें। हमने कहा जाली काम तो भाई राज संघ वाले करते कराते नहीं हैं, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। तो एक सन 77 में राम नरेश यादव की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, और तब मौका ये आया कि राम नरेश यादव ने घोषणा की कि कोई भी जन्म तिथि के आधार पर हाई स्कूल की परीक्षा दे सकता है। तो मास्टर साहब मिले कि भाई मौका तो आ गया, तुम अठवा तुम सर्टिफिकेट 5 के आप लगाओ और हम तुमको सब चीज़ भरवाते देते फार्म। और उन्होंने फार्म भरवाया और हाई स्कूल करवाया, इंटर करवाया, बीए कराया, हिंदी से एमए कराया 84 में। और इसी बीच में 2 साल में प्रचारक भी हो गया, चले गए हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। ये किसका काम किए, ईश्वर का, ईश्वरी का समझ के ईश्वर काम किया, जो चाहा सो दिया उन्होंने। लंदन मुझे घुमा दिया हमारे संघ वालों ने, लंदन जाने का मौका मिला, 15 दिन रहे, कुल घूमे टहले। मेरे जीवन में कहाँ 100 रुपए की दुकान थी और कहाँ करोड़ों का मालिक बना दिया है, परिवार है 3 6 गाड़ियाँ एक दिन में खरीदा, ये लिए 6 गाड़ी खरीदा कि अभी 5-7 साल हुआ, 3 मेरी बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं, बेटी जैसा वैसे बेटा, बेटा सबको, बेटियों को मैंने चाबी दामाद को बुला के पकड़ा दिया और 6-3 मैंने अपने लड़कों को बहुओं को दे दिया कि तुम्हारी गाड़ी है। तो भगवान ने मुझे सब कुछ संपन्न कर दिया, मैं राम का परम भक्त हूँ और राम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे रामे जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समी यद्यप परम स्नेही, बहुत अच्छा हो जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। बस राम ही के पीछे हूँ, राम जी का मंदिर बन गया यहाँ पर सीताराम धाम नाम से, और आज जो आते हैं दर्शार्थी दर्शन करते हैं, हम भी गदगद हैं। 80 साल उम्र हो रही है मगर एकदम खुशहाल हूँ, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई झंझट नहीं, जो आते हैं उनकी सेवा करता हूँ, क्योंकि ईश्वरन से जीव अविनाशी है। ये मैं उनकी बात दोहरा देता हूँ प्रहलाद भक्त की, कि मुझ में तुम में खड़क में घट घट व्यापित राम, मैं घट घट में राम को देखता हूँ, कुत्ते बिल्ली को भी राम के रूप में देखता हूँ, क्योंकि परमात्मा एक है और हम उसी के सब बच्चे हैं, संसार चलाने वाला वही है। इससे ज़्यादा और आप क्या कहें, इतने में समझ जाइए, अगर कुछ बातें आप ले सकिए तो करिए, स्वधर्म का पालन करिए, स्वधर्म का पालन करोगे। स्वधर्म क्या है कि कोई काम लिए हो तो काम को ठीक ढंग से करो, मास्टर हो तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने जाते हो तो दानवी प्रवृत्ति है, और पढ़ाते हो तो मानवीय प्रवृत्ति है, और बिना पैसे पढ़ा देते हो तो देवत्व प्रवृत्ति है। जो समाज को दे वो देवता, और जिस समाज से ले दे दोनों करे वह मानो, और जिस समाज से ले बदले में कुछ न दे वह दानो। वो कभी ये ना समझो कि धन उनके पास तो बहुत आ रहा गलत काम, तो लक्ष्मी जी कहती मैं दोनों के पास जाती हूँ, अधार्मिक के पास भी जाती हूँ, धार्मिक के पास जाती हूँ, एक का विनाश करने के लिए जाती हूँ, एक का विकास करने के लिए जाती हूँ। जो मुझको धन केवल चाहता है तो मैं उल्लू की सवारी जाती हूँ, धन उसको खूब देता हूँ, और ऊपर से फिर बहुत ऊपर से पहुँचा के गिराती हूँ, जैसे दुनिया देखे बेईमानवा वह गिरा है। तो आप लोग, हम लोगों को चाहिए बेईमानी से बचना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और जो धर्म से धन जान लेना चाहते हैं तो लक्ष्मी जाएंगी गरुड़ की सवारी से जाएंगी, अपने पति विष्णु भगवान के साथ जाएंगी, और इतना धन देंगी कि यश देंगी, कीर्ति देंगी, स्वर्ग जैसा सुख है। धन की यही है, स्वर्ग जैसा सुख देखती हैं, और जहाँ अधर्म का रास्ता पकड़ा वहाँ सब खत्म करके चली भी आएंगी। इसीलिए आप लोग अपने स्वधर्म का पालन करिए, स्वधर्म ही सब कुछ है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी करिए, मास्टर हैं तो मास्टरी करिए, मगर अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए, व्यवसायी हैं तो मिलावटी सामान मत बेचिए। यही हमारे आप सब लोगों से प्रार्थना है। आपने अपने जीवन में कितनी तीर्थ यात्राएं या कितने मंदिरों के दर्शन कहाँ कहाँ पे किए, कुछ स्मृति में हो तो बताइए। मेरे तो चारों धाम तो मैं कराया, जैसे वहाँ था द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी और हाँ रामेश्वरम जी, बद्रीनाथ, ये अपने यहाँ 4 धाम हैं। इन चारों धामों को मैं करके उसका जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके और भात दे दिया,
जो खिलाया जाता है 10,000 भगवान की कृपा से 10,000 अपने बिरादरी सब जात बंधुओं को भोजन कराया और उसके बाद उस सब पूरा काम हुआ। घूमने के तो मैं तो भाई अकेले तो बहुत कलकत्ता बम्बई बेंगलोर मंगलोर सब जगह गया, सब जगह दर्शन किया, मंदिरों के दर्शन किए। कन्याकुमारी गया जहाँ पर हमारे विवेकानंद जी ने तप किया था। हेमकुंड साहिब गया जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने तप किया था। तो दो बार गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ, ये दो दो तीन तीन बार कृपा हुई भगवान की। खूब तीर्थ व्रत किया खूब मन से और संघ का काम 50 वर्ष से संघ का काम में लगा हूँ। पूरा जीवन संघ में दे दिया। 12 साल की उम्र से मैं मुख्य शिक्षक और तब से आज तक। अभी कल भी हमारे यहाँ बैठक संघ की एक यहाँ पर थी जिनको सबको जलपान कराया। बैठक में सारी बातें हैं हिंदी समाज के बारे में। कल ही अभी बैठक हुई थी तो ये उसी में लगा हूँ क्योंकि ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य संघ कार्य माने ईश्वर। ये पारस पत्थर है, इसने जिसने छू लिया वो लोहा हो गया। हमने तो छुआ भाई, हम तो लोहा से सोना हो गए। इसलिए सभी को सलाह देता हूँ कि संघ में जाओ और संघ के अनुसार चलो। ये ईश्वर का काम करोगे तुम भी लोहे से सोना बन जाओगे। सियाराम जी, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है और बहुत कुछ सीखा है, तो हम जानना चाहते हैं कि उस सीख से आप आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये पहली बात तो माता पिता की सेवा करें और अध्ययन में मन लगाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे देश का कल्याण होगा और परहित का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ न हो जीवन में। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है परहित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम अधमाई। तो पर को पीड़ा दोगे तो कभी सुखी जीवन नहीं बिता सकते हो। इसलिए पर को पीड़ा न दे करके दूसरे को सुख देना ही अपना ध्यान रखो। और क्या कहते हैं, सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी देखोगे तभी दूसरे की सेवा कर सकते हो। क्योंकि मनुष्य मनुष्य की सेवा नहीं करता है, केवल भगवान की सेवा करता है। तो सब में भगवान का रूप देखो और आगे बढ़ो और पढ़ करके जो लक्ष्य रखे हो फिर वही लक्ष्य पे चलो। जो लक्ष्य बना लिया है सेवा समझ के नौकरी करो। देश अपना है, अपने देश के लिए कुछ करो और अपना भी सुखी, अपने पड़ोसी भी सुखे, अपने हित मित्र को भी सुख दो। यही हम आपसे प्रार्थना है बंधुओं। बच्चों आगे बढ़ो, देश के काम आओ। देश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे समाज, तीसरे नंबर पे परिवार, चौथे नंबर पे तुम। अपने लिए जो करता है वो कुछ नहीं करता है, जो परिवार के लिए करता है कुछ करता है। अपने पड़ोसी को देखो उसको कहीं भाई दुखी तो नहीं है, खाने बिना नहीं भूखो नहीं मर रहा है। और फिर अपने समाज देखो, समाज तुम्हारा है, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। यही हम आप सबसे हमारे प्रार्थना है या आग्रह है। प्रभु श्री रामचंद्र जी में उनकी अगाध श्रद्धा है। जब उन्होंने सुना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है तो अपने जीवन की जमा पूंजी जोड़कर पूरे 1 करोड़ की राशि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए श्री अयोध्या धाम में दान कर दी। और अब अपना शेष जीवन वो अपने द्वारा निर्मित श्री सीताराम धाम मंदिर में राम नाम का कीर्तन करते हुए ही व्यतीत करते हैं। सचमुच उन्होंने समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी है। उनका जीवन सादा है, सरल है, उनका भोजन भी सरल है। वो फलों का आहार लेते हैं भोजन के साथ और नियमित योग ध्यान की क्रिया को भी संपन्न करते हैं। किसी और अंक में हम आपको उनकी इस दिनचर्या के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। फिर जल्द ही मुलाकात होगी और आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे
ताकि देश के अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सबको बता दें कि जो भी भक्त इस हाईवे पर अयोध्या से प्रयागराज जाते समय रुकना चाहे, ठहरना चाहे, तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सबके लिए सियाराम जी ने यहाँ पर स्वागत हेतु एक बोर्ड लगा दिया है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हाईवे से गुजरते हुए कुछ पलों के लिए रुकिए श्री सीताराम धाम प्रतापगढ़ में। जय श्री राम। जय श्री।